जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है, जो कि उनकी पुरानी पेंशन से जुड़ा हुआ है। बीते कई वर्षों से देश भर के जो शासकीय कर्मचारी हैं, वह चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार, उनसे पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और अभी तक इसको लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट कर्मचारियों की एनपीएस पर पुरानी पेंशन को लेकर सामने आया है। आप सभी को मालूम है, केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार को लेकर एक समिति गठित की थी और जो समिति गठित की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दी है। यानी कि अब एनपीएस में जो भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे, उनका खाका तैयार होकर केंद्र सरकार के पास जा चुका है। हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है, तो ऐसे में सरकार चाहेगी कि कर्मचारियों को कुछ राहत दी जाए और एक मास्टर स्ट्रोक कर्मचारियों के हित में खेला जाए। जी हां साथियों, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल का गठन ओल्ड पेंशन सिस्टम पर वापस लौटे बिना, यानी कि पुरानी पेंशन दिए बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया है। अब ये जो समिति है, इसने अपनी सिफारिश जो भेजी है केंद्र सरकार को, उसमें आंध्र प्रदेश में जो पेंशन सिस्टम लागू है उसका जिक्र किया गया है। यानी कि जो कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय अंतिम वेतन होगी, उसका 50% संबंधित कर्मचारी को प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाएगा और इसमें डीएडीआर भी शामिल रहेगा, तो ये बड़ी बात है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पैनल ने मई महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर 2023 में लागू आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल का प्रभाव है। इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का मिला जुला मॉड्यूल कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम अधिनियम 2023 के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसमें महंगाई भत्ता राहत यानी डीआरवी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को गारंटी राशि का 60% मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। अब नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन गारंटी के तौर पर मिलेगी। गारंटी सुधा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए आवश्यक पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा और एक बार जब केंद्र सरकार इसे लागू कर देगी तो संबंधित जो राज्य सरकारें हैं वो भी एनपीएस के इस फॉर्मूलों को लागू कर देंगी। जो भी कमेटी बनाई गई थी उसने अपने जो सिफारिश है केंद्र सरकार को भेज दी है और जाहिर सी बात है, जब कमेटी गठित की गई थी तो एनपीएस में वांछित सुधारों को लेकर ही गठित हुई थी। अब उसने जो भी सिफारिशें दी हैं उन पर अमल किया जाएगा। समझने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार जो भी सिफारिशें एनपीएस को लेकर लागू की गई हैं, उनको लागू करने में कितना समय लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या शासकीय कर्मचारी इससे संतुष्ट होते हैं? हालांकि शासकीय कर्मचारी लगातार ये बात कहते आए हैं कि उन्हें ओल्ड पेंशन से कमतर कुछ भी मंजूर नहीं है और एक लंबी लड़ाई शासकीय कर्मचारी ओपीएस को लेकर लड़ रहे हैं। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या एनपीएस में जो भी सुधार किए जा रहे हैं, अगर मूल वेतन का 50% शासकीय कर्मचारियों को मिलता है, डीएडीआर मिलता है, तो क्या इससे शासकीय कर्मचारी खुश होंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर ओनली ओपीएस ही कर्मचारियों के लिए एकमात्र विकल्प रहेगा। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शासकीय कर्मचारियों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्र।